वेलकम टू माई चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम जी एस टी आर वन कंटिन्यू करेंगे। जी एस टी आर वन में हमने बी टू बी इनवॉइस, बी टू सी लार्ज इनवॉइस एंड बी टू सी स्मॉल इनवॉइसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंटर की हैं। क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड आज हम करेंगे। अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर से आप गुड्स रिटर्न लेंगे और उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो उस केस में आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो फोर्थ नंबर में आएगी क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड में। तो इट मीन्स कि बी टू बी इनवॉइस में से कोई भी इनवॉइस आप रिटर्न लेते हो कोई भी अपने कस्टमर से जो कि रजिस्टर्ड हो, उसके लिए जो आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो आपको यहाँ पर कैप्चर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने थ्री इनवॉइसेस एंटर किए हुए हैं बी टू बी इनवॉइसेस में। तो यहाँ पर कोई भी एक पार्टी का इनवॉइस हम लोग रिटर्न करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे साई ट्रेडिंग कंपनी का इनवॉइस है जिसका इनवॉइस नंबर 1 है और 1 अप्रैल का इनवॉइस था ये। इसमें हमने एसी और फैन सेल किया हुआ है। सपोज 2 एसी और 2 फैन रिटर्न आते हैं साई ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से और हमें उसको क्रेडिट नोट इशू करना है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें एक तो इनवॉइस नंबर पता होना चाहिए और इनवॉइस की डेट पता होनी चाहिए कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारा क्या है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट हम लोग ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से हम एस्केप करेंगे, वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आके यहाँ पे सेल्स वाउचर आपको शो कर रहा है बट हमें क्रेडिट नोट इशू करना है। तो हम यहाँ पे F10 से अदर वाउचर्स पे आएंगे एंड F10 अदर वाउचर्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर आना है क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F6। Alt F6 लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में साई ट्रेडिंग कंपनी लिया एंड उसके बाद ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पूछ रहा है जो कि हमारा 1 था और डेट 1 अप्रैल थी। ये आपने डिटेल्स एंटर कर दी। उसके बाद सेल्स यहाँ पे लेजर अकाउंट में या तो सेल्स ले लेंगे या सेल्स रिटर्न, अगर आपने अलग से लेजर क्रिएट किया हुआ है तो आप वो भी ले सकते हो। 3rd अप्रैल को मैं क्रेडिट नोट इशू कर रही हूँ। मेरे पास 2 AC और 2 फैन रिटर्न आए हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट भी करूँगी क्रेडिट नोट में एंड लास्ट में मेरे पास डिटेल आएगी प्रोवाइड GST डिटेल्स, इसको मैं यस करूँगी। यस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रीज़न फॉर इशूइंग नोट। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी कि मैं क्रेडिट नोट क्यों इशू कर रही हूँ। यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करने के बहुत सारे और भी रीजन्स होते हैं, पोस्ट सेल डिस्काउंट देना, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज इन POS, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी क्रेडिट नोट को यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो हमारा पर्पस है क्रेडिट नोट इशू करने का वो सेल्स रिटर्न है, तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेंगे। बायर्स डेबिट नोट नंबर हम डालेंगे यहाँ पे, जो भी बायर्स का डेबिट नोट नंबर होगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद डेट में यहाँ पे हम 3rd अप्रैल डाल देंगे एंड उसके बाद इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो हमें जो पेंडिंग बिल्स होंगे वो आपको शो करेंगे। आपको बिल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा किस बिल के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो। ओके, तो मेरा बिल नंबर 1 था जिसके अगेंस्ट मैं क्रेडिट नोट इशू कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल नंबर 1 पिक किया है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया है। अब यहीं से रिपोर्ट चेक करेंगे, Alt G GSTR 1 पे आप आएंगे, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्रेडिट नोट इशू हो चुका है रजिस्टर्ड डीलर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट वो वाला कैप्चर होगा जो कि आपका 2.5 लाख से अबव इनवॉइस के लिए होगा और वो भी अनरजिस्टर्ड डीलर इंटर स्टेट। इट मीन्स B2C लार्ज का कोई भी इनवॉइस आप क्रेडिट नोट इशू करते हो तो उसकी जो ट्रांजेक्शन शो करेगी वो आपको क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड में शो करेगी। लेकिन B2C स्मॉल में से कोई भी इनवॉइस को आप रिटर्न करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हो तो उसकी जो अमाउंट होगी वो आपको B2C स्मॉल के अंदर से ही लेस करके शो करता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ दोनों ही कंडीशंस। यहाँ पर B2C लार्ज पे मैं हूँ एंड मैं वीनस एंड कंपनी का जो ये इनवॉइस नंबर 4 है 3rd अप्रैल का, इसमें से 2 AC रिटर्न लेती हूँ वीनस एंड कंपनी से, तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करूँगी। एस्केप की प्रेस करा, यहाँ से क्रेडिट नोट इशू किया वीनस एंड कंपनी के लिए। डेट मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, सपोज 4th अप्रैल को क्रेडिट नोट इशू किया
विनस एंड कंपनी के लिए मेरा इनवॉइस नंबर 4 था एंड 3rd of April का इनवॉइस था, ये हमने एंटर किया हुआ है। एसी मैंने 2 रिटर्न ले लिए विनस एंड कंपनी से, टैक्स हम कैलकुलेट करवाएंगे IGST, प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करके यहाँ पे सेल्स रिटर्न ले लिया एंड जो भी बायर का डेबिट नोट नंबर होगा वो हम डाल देंगे एंड यहाँ पे 4th April एंटर किया और इसको कर देंगे अगेंस्ट बिल नंबर 4 और इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आप रिपोर्ट चेक करेंगे और जी से GSTR 1 पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री शो कर रही है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड के अंदर। ओके उसके बाद एक इनवॉइस B2C Small का भी देख लेते हैं। B2C Small का तो आप कोई भी इनवॉइस रिटर्न कर लीजिए, जैसे ये तो कैश का है, कस्टमर को हमने सेल किया था। मैं गुजरात वाला विनस का ही आपको ये वाला रिटर्न करके दिखा देती हूँ। जैसे हमने रिटर्न किया विनस एंड कंपनी का बिल नंबर 5, यहाँ पे हमने अगर 1 फैन रिटर्न लिया है विनस से, ओके 1 फैन हमने रिटर्न लिया है विनस से, तो यहाँ पर हम बिल नंबर 5 के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करते हैं। बिल नंबर 5 के अगेंस्ट विनस से हमें करना है तो मैंने यहाँ पे बिल नंबर 5 ले लिया, 3rd of April का इनवॉइस है ये भी, और इसमें मैंने 1 फैन रिटर्न लिया विनस से, टैक्स ले लिया, सॉरी IGST लगेगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, प्रोवाइड GST डिटेल यस किया, सेल्स रिटर्न डेबिट नोट नंबर ले लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पर 4th April डाल दिया। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 5, ओके एंड उसके बाद यहाँ से हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब आप चेक कर सकते हैं ऑल जी GSTR 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी एंट्री यहाँ पर कैप्चर नहीं हुई क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड के अंदर, मेरी एंट्री B2C Small में विनस एंड कंपनी से अंदर से ही लेस हो रही है। देखिए 30,000 में से 3,000 मेरी टैक्सेबल अमाउंट लेस हो गई और नीचे 27,000 रुपीज आ रहे हैं। यहाँ पर जो टैक्सेबल अमाउंट होता है ना, इसको हम असेसिबल वैल्यू बोलते हैं। असेसिबल वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता है, विदाउट टैक्स वैल्यू बोलते हैं इसको, टैक्सेबल वैल्यू बोल दो या असेसिबल वैल्यू भी इसी को बोलते हैं। ओके इसके ऊपर देखो हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो रखा है। तो ये होता है हमारा क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। इसमें और भी आप पर्पस के लिए क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगी जब हम अपना यहाँ से GSTR 1 बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं एडवांस लेवल पे भी कुछ इनवॉइसेस आपको एंटर करना बताऊंगी, उसमें मैं आपको ये वाले केसेस बता दूंगी। ओके तो तब तक के लिए आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।